Assalamualaikum, this is me, फातिमा कर इस तो चेक करो एम जी गाइस ये कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज्यादा यूनिक है।, है चलो इसको घर आरोप ट्राई करते हैं क्या कहते हो तो इस इयरिंग का पिक्चर मुझे मेरी बहन ने दिखाया था और मुझे कहा कि इसको ट्राई कर और वैसे भी ईद आ रही है ईद के लिए तो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे लगेगी तो मैंने भी बोल दिया थी मैं इसको ट्राई कर लूंगी लेकिन मैं इतना ज्यादा बिजी हो गई की मैं तो भूल ही गई ये तो मुझे रेडी करना था खैर जैसे तैसे करके मैंने टाइम निकाला और इसको रिक्रिएट किया तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगी इसे बनाना बहुत ज्यादा इजी है आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो तो इसे बनाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा सिंपल चीजों का यूज किया है ताकि आपको बनाने में कोई भी परेशानी ना हो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस के लिए मैं यहाँ पे फ्यूजिंग का यूज कर रही हूँ तो सिंपली हमें फ्यूजिंग पे कुछ इस तरह से चीजों को स्टिक कर लेना है जैसा कि आपने देख ही लिया है फ्यूजिंग की जगह आप यहाँ पे फैल्ट शीट भी यूज कर सकते हो और तो और आप यहाँ पे फोम शीट भी यूज कर सकते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक रेड पीस लिया किसी भी चीज का रेड पीस ले सकते हो तो सिंपली उसे स्टिक कर लेंगे उसके बाद हमने हाफ कट बीट को स्टिक किया सो बीट के अराउंड हमने यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिंग भी लगा ली अगर आपके पास बोल चेन है तो आप बोल चेन को स्टिक कर सकते हो देन हमने स्टोन चेन को स्टिक कर लिया अगर आपके पास स्टोन चेन नहीं है तो आप इसकी जगह पर अपनी हैंडमेड स्टोन चेन का यूज कर सकते हो व्हाट? ये क्या बोल दिया सारा सरप्राइज खराब हो गया चलो मैं आपको बता ही देती हूँ जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना हमने रेडी किया स्टोन चेन वो भी घर पे माय oh गॉड माई गारिजल्ट बहुत अच्छा आया एक नहीं दो नहीं बहुत सारे अलग अलग तरीकों से ट्राई किया जिसका वीडियो मैंने अभी तक तो शेयर नहीं किया है अगर आपको देखना है तो जल्दी से कॉमेंट्स में यस लिख दो इसका वीडियो में आपके साथ जूली और जुगाड़ के पार्टी पार्ट टू में शेयर करूंगी तो पार्ट वन को आप सभी ने ही बहुत सारा प्यार दिखाया और मैं चाहती हूँ इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करते जाए इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा है ज्वेलरी ऑफ जुगाड़ इस सीरीज में हम बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे इस सीरीज में हम जुगाड़ से ज्वेलरी तो बनाएंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पे ज्वेलरी के मटेरियल्स को भी जुगाड़ से बनाएंगे और इसी ऐसी आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं और माय गॉड ये कितना ज्यादा अमेजिंग है और बहुत ही मजा आने वाला है इस सीरीज में। तो जिसने पार्ट वन देखा है उन्हें तो पता है हम क्या करने वाले हैं। अगर आप में से किसने पार्ट वन को नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट वन को वॉच करना एंड देन पार्ट टू देखना इसमें आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगी तो ज्वेलरी ऑफ जुगाड़ का पार्ट टू बहुत ज्यादा आने वाला है बताओ बताओ कौन कौन है एक्साइटेड अः इतनी सारी बातें कर ली कि हमारा प्रोसेस तो बीच में ही रह गया यहाँ तक का प्रोसेस तो देखकर आपको समझ आ ही चुका होगा पर फिर भी मैं अपनी टांग बीच में आ तो चौचे लगने के बाद हमने हाफ कट बीट को स्टिक किया उसके बाद सीट पीट को भी स्टिक किया तो जैसे ही ये स्टिक हो होगी हमने इसको नीटली कट किया और बैक साइड पे पेपर क्लिप से बनी आई पिन और हेड पिन को बैक साइड पे स्टिक किया ग्लू गन की मदद से और बैक को भी अच्छे से नीट कर लिया तो लो भाई इतने सिंपल प्रोसेस के साथ हमारा ये टॉप्स बन के रेडी हो चुका है अब नीचे हैंग करने के लिए हमें चाहिए झुमका जिसके लिए हम यहाँ पे झुमके बेस को सिलेक्ट करेंगे यही शॉपर में होते हैं मेरे सारे झुमका पेस्ट जो की मैंने इधर उधर से इकट्ठे किए हैं तो मुझे मिल चुके हैं अपने झुमके के लिए बेस तो ये बेस मुझे सरसों के तेल के बोतल के डब्बे के अंदर से मिले हैं वाह कितनी दूर तक गई मैं <laughs> तो छुमके बेस को कवर करने के लिए मैं यहाँ पे सिल्क थ्रेड का यूज कर रही हूँ सिंपली हम अपने पूरे छुमके को कवर कर लेंगे अगर आपको ये वाला काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पे छुमके को सिर्फ और सिर्फ पेंट कर सकते हो लेकिन जो लुक आता है ना वो रेशमी थ्रेड से ही आता है ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं लेकिन मेरा मानना ये है की हर काम हो सकता है बस आपको करना आना चाहिए और इनशाला मैं आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दूंगी डोंट वरी सो so क्यूटीज़। जैसे कि मेरा झुमका कवर हो चुका है तो चलो फटाफट से उसकी हैंगिंग्स को भी रेडी कर लेते हैं तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ भी बहुत सारी व्हाइट वाली हैंगिंग्स को रेडी कर लिया हैंगिंग्स बनाना बहुत ज्यादा ईजी होता है और आपको तो पता है ना मुझे हैंगिंग्स बनाना कितना ज्यादा पसंद है तो बस हमें कॉमन पिन लेनी है पिन में हमें सीट बीट के साथ एक बीट को ऐड करना है एंड देन वायर को अच्छे से कट कर लेना है इसी तरह के बहुत सारे पीसेस को हम रेडी कर लेंगे सो so, क्यों तो यहाँ पर मैं उसी थ्रेड की मदद मतलब से ही इन हेंगिंग्स को स्टिच कर रही हूँ हैंगिंग्स के अलावा आप यहाँ पे बहुत सारे लोरियल पीड्स को ऐड कर सकते हो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसको ऐड ही नहीं किया लगता है मुझे अब अपने लोरियल बल्स को खुद ही बनाना पड़ेगा और वो भी ऑफ जुगाड़ की सीरीज में सिंपली हम सारी हैंग्स को स्टिच करते जाएंगे तो लो भाई इसका लुक कुछ ऐसा आया है अब अपने छोटे से झुमके को हैंग करने के लिए हमें इसके साथ लूप तो चाहिए ना तो चलो जल्दी से ले लो कॉमन पिन हम हाँ पिन में एक बाल को ऐड करेंगे एंड देन झुमकी में ऐड करके ऊपर साइड से बाल को थोड़ा सा कट करेंगे तो मेरे पास ये रखे हुए थे इस तरह के सीक्वेंस तो चलो इसको भी ऐड करते हैं तो मैंने इसको ऐड किया है बाल के अंदर एंड देन वाल को कब करेंगे इससे झुमके का बेस जो है वो बहुत अच्छा लगेगा ऊपर से अगर आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है तो आप इसकी जगह पर सीक्वेंस का यूज कर सकते हो सो किट इज हमारा ये टॉप स्पीड डन है हमारा झुमका भी बन की रेडी हो चुका है अब क्या कमी है जी बिल्कुल सही कहा अब हमें बनानी है पर्ल वाली चेन जिसके लिए मैं यहाँ पे थिन वायर का यूज कर रही हूँ तो सिंपली वायर की एक साइड को हमने कर्व किया है उसके बाद बीट को ऐड करेंगे आप कोई सा भी साइज ले सकते हो सो बीट को ऐड करने के बाद दूसरी साइड भी वायर की ट्विस्ट कर लेंगे और तो ट्विस्ट हमें कुछ इस तरह से करना है जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हो अब इस पर्ल की पर्ल वाली चेन कैसे बनेगी तो हमें पर्ल की चेन को रेडी करने के लिए हमें कुछ इस तरह से पहले वाले पर्ल को दूसरे वाले पल्ल में ऐड करना है एंड देन वायर को ट्विस्ट करना है इसी तरह करते करते हमारी बहुत लंबी सी पल्ल्ट वाली चेन बनके रेडी हो जाएगी पता नहीं क्यों ऊपर मुझे इस पर्ट वाली चेन को रेडी करने में काफी मजा आया क्योंकि थिन वायर के साथ मैंने ये फर्स्ट टाइम किया था और ये मुझे अच्छा लगा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं मार्केट से लेकर आई हूँ तो हम हमेशा ही वायर से ही बनाते थे सिर्फ वायर को कव किया पल अर किया फिर से वायर को कव किया ये तरीका उन तरीकों से काफी डिफरेंट था है क्या आपको भी मेरी तरह कुछ अलग करने में मजा आता है मुझे तो भाई बहुत ज्यादा मजा आता है जब भी मैं अलक ट्राई करती हूँ। तो फाइनली घड़ी उस मुकाम तक आ चुकी है जब हम इन दोनों पीसेस को एक साथ अटैच करेंगे ओ माय गॉड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर द फाइनल लुक तो सिंपली हमने झुमके को अपने पाड़ वाले चेन के साथ अटैच कर लिया है अब बारी आती है अपने ईयर स्टड की तो फटाफट से इसको भी अटैच कर लेते हैं और वर्क को अच्छे से कर्व कर लेते हैं तो फाइनली हमारे ये ब्यूटीफुल ऐसी बनके रिंग्स बन रेडी हो चुकी है, है चलो जल्दी से इसका दूसरा पीस भी पी रेडी कर लो है तो चलो इस ब्यूटीफुल रिंग्स के साथ थोड़ा सा फ्लॉन्ट करते हैं यार मुझे ये इर बहुत ज्यादा प्रीटी लगे इनके पहनने का स्टाइल बहुत ज्यादा यूनिक है हर आप ये इसको जरूर ट्राई करना क्योंकि इसे बनाना बहुत ज्यादा इजी है चलो आप कमेंट में ये भी बता दो आपको ये इयर कैसे लगे सर so, दोस्तों क्या आपने इश्क मुर् ड्रामे के तौर के ये वाले इयर चेक किए पता है हमने इसको घर पे रिक्रिएट किया ओ माई गॉड इसको रिक्रिएट करना इतना ज्यादा आसान होगा सोचा नहीं था जल्दी ऐसी इधर क्लिक करके वॉच कर लो चलो मैं आपको वही आरोप ही मिलती हूँ अल्लाफिज